एक बार गंगा का तट था, एक महापुरुष सत्संग कर रहे थे। सात संगत नीचे बैठी थी, महापुरुष ऊपर बैठे थे। महापुरुष अपनी वाणी में कह रहे थे कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। आपके जैसे सात संगत तो सुन रही थी, लेकिन एक शिष्य का चेहरा प्रश्नमय हो गया था। जब सत्संग पूरा हुआ तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, कहा गुरुजी आप कहते हैं सब में राम है, तो फिर आप तो सत्संग करते हैं ऊपर बैठते हैं और हम तो सब नीचे बैठते हैं, और सत्संग पूरा हो जाता है तो सब आपको प्रणाम करते हैं, आपसे प्रसाद लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हमें तो कोई नहीं पूछता ना हमको प्रसाद हमसे कोई लेता है, फिर कैसे आप में भी राम और मेरे में भी राम हुआ। आपने कहना मैंने मान तो लिया, पर गुरुजी मन में प्रश्न है। और कहते हैं संशय को मिटाना चाहिए, जिस धागे में गांठ आ जाती है उस धागे के मोती आगे यात्रा नहीं कर सकते, वहां अटक जाते हैं। महापुरुष ने देखा कलयुग का शिष्य है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा नहीं तो निद्रा माता आ जाएगी। मध्याह्न का समय है, ठंडी मीठी हवा चल रही है, मंदिर की पावन हो रहा है, दो मिनट में गुरु शिष्य का पावन संवाद है। गुरु जी ने सोचा इसके मन में गांठ रह जाएगी तो इसकी आध्यात्मिक यात्रा उन्नत नहीं होगी। एक घड़ा दिया उसे और कहा जाओ गंगा जल से बाहर आओ, साफ सुथरा भर के आना जी, जो आज्ञा। पतला सा सफेद कपड़ा ले गया, घाघर के मुंह पे कपड़ा बांध के पानी भरा ताकि बालू का रेत छट जाए, कचरा नहीं आए। घाघर ढक्के भर के ले आया, गुरुजी के पास रखा, कहा क्या लाया, तो कहा जी गंगा जल, खोल। कपड़ा हटाया, गुरुजी ने घाघर में झांका, कहा ये गंगा जल है, कहा जी स्वामी जी ये गंगा जल है, तो कहा तो इसमें बालू की रेत तो है नहीं, स्वामी जी कपड़ा बांध दिया था तो छन गया। अच्छा, फिर अंदर झांका, कहा मछलियां तो है नहीं, कहा स्वामी जी इसमें मछली थोड़ी आएगी घाघर में, तो कहा अच्छा, फिर झांका, कहा मगरमच्छ तो है नहीं, कहा स्वामी जी आप कैसा विनोद कर रहे हैं, घाघर में मगरमच्छ थोड़ी आएगा, वो तो गंगा जी में रहता है। कहा अच्छा, फिर झांका चौथी बार, कहा इसमें गंगा के किनारे तो है नहीं, कहा स्वामी जी गंगा के किनारे नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, मछली नहीं है, बालू की रेत नहीं है, पर मेरे सिर पर हाथ रख के कहता हूं ये गंगा जल है, तो कहा मैं तेरी बात मान लूं, तो कहा हाँ गुरु जी मान लीजिए, तो कहा मैं भी सिर पे हाथ रख के कहता हूं कि जो तू है वो मैं हूं, तू भी मेरी बात मान ले, इसमें किनारे नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, मछली नहीं है, बालू की रेत नहीं है, तो भी ये गंगा जल है, तुझे लोग प्रणाम नहीं करते, दक्षिणा नहीं देते, तेरा आशीर्वाद नहीं लेते, तुझे नीचे बैठ के नहीं सुनते, तो भी तू वही है जो मैं। तो वो समझ गया कि वो गंगा जल व्यापक है तो भी वो गंगा जल है, ये गंगा जल घाघर में है तो भी ये, बोलिए ना, गंगा जल। उसके द्वैत मिट गया, अज्ञान मिट गया कि भले मैं पूजा नहीं जाता हूं, भले लोग मुझे तिलक नहीं करते, मुझे ऊंचा नहीं बिठाते, पर तत्व तो गुरु जी और मेरा एक है। ये बड़ा कृपा है महापुरुषों की कि अपनी वाणी के द्वारा, सत्संगमय वचनों के द्वारा, वो बहुत सुंदर जो लंबी यात्रा है, वो दीक्षा का दान देकर, सत्संग का दान देकर, वो बोधमय यात्रा सहज में करवा लेते हैं। ऐसे महापुरुष जब भी धरा पर आते हैं
तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की कृपा से विवेकानंद तैयार हो जाते हैं, मतंग ऋषि की कृपा से शबरी भीलन तैयार हो जाती है।